गुरुदत्त भारतीय सिनेमा के वो हीरो रहे दोस्तों, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम चमकाया। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। उनकी फिल्म प्यासा को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की फेहरिस्त में शुमार किया गया। फिल्मी पर्दे पर गुरुदत्त जितना चमके, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, उतनी ही धूमिल उनकी निजी जिंदगी में रही, जिसमें काफी दर्द था। गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। वो अपने फ्लैट पर मृत मिले थे। गुरुदत्त ने जानी मानी सिंगर गीता रॉय से शादी की थी। दोनों की लव मैरिज थी। शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। फिर अचानक ही सब खराब होने लगा। गुरुदत्त की शादीशुदा जिंदगी में खटपट के लिए एक्ट्रेस वहीदा रहमान को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा कहा जाता था कि वहीदा रहमान के साथ नज़दीकियों के कारण गुरुदत्त और गीता की शादी टूट गई थी। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने 2018 में फिल्म फेयर से बातचीत में कहा था, उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों, कि गुरुदत्त की टूटती शादी के लिए वहीदा रहमान को बेफिजूली में जिम्मेदार ठहराया गया। ललिता लाजमी ने कहा था, प्यार को परिभाषा करना बेहद मुश्किल है। गुरुदत्त ने ना तो वहीदा रहमान की वजह से सुसाइड किया था और ना ही गीता दत्त की वजह से। प्रोफेशनली गुरुदत्त और वहीदा रहमान तो काफ़ी पहले अलग हो चुके थे, बल्कि साहेब बेवी और गुलाम के आखिरी सीन के लिए गुरुदत्त को वहीदा रहमान से मिन्नत करनी पड़ी थी कि वो आकर उसे पूरा कर दे। गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद हो और CID जैसी कई फिल्में साथ में की थी। उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। इसी वजह से गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिश्ते के चर्चे होने लगे थे। गुरुदत्त की पत्नी को भी, यानी गीता दत्त को भी इस बारे में पता चला। दावा किया जा रहा था कि वहीदा रहमान और गुरुदत्त के इसी रिश्ते की वजह से गीता दत्त के साथ उनकी शादी बिगड़ी, पर ललिता लाजमी का कुछ और ही कहना था। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात। 9 अक्टूबर 1964 की बात है। उस दिन गुरुदत्त के पैडर रोड स्थित फ्लैट पर राइटर अबरार अलवी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि उस दिन गुरुदत्त ने फ़ोन पर गीता दत्त से बात की थी और बच्चों को वीकेंड पर भेजने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी शूटिंग कैंसिल हो गई थी। लेकिन गीता दत्त ने इनकार कर दिया। गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच बच्चे ही थे, जो रीढ़ की हड्डी थे। जो हुए मेरे हम सफर, रस्ते बदल गए, उनकी खुशी का कारण थे। अबरार अलवी ने गुरुदत्त को सलाह दी थी कि वो शराब के साथ नींद की गोलियां ना खाया करें। गुरुदत्त ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती थी। ललिता लाजमी ने बताया था कि उस रात अबरार अलवी डिनर किए बिना ही गुरुदत्त के घर से चले गए थे। गुरुदत्त ने भी नहीं खाया। गुरुदत्त ने जानबूझकर सुसाइड नहीं किया था। शायद शराब के साथ वो नींद की गोलियां खाना ही उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। अगली सुबह गुरुदत्त ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला तो तोड़ना पड़ा। अंदर जाकर देखा तो गुरुदत्त की लाश सामने पड़ी थी। हाथ कुछ जिस स्थिति और दिशा में थे, देखकर लग रहा था कि वो शायद कुछ कहना चाहते थे। ललिता लाजमी के मुताबिक, मोहब्बत कर लो, घी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है। वो उनके और उनकी माँ के लिए एक ट्रोमा था जिससे वो कभी नहीं उबर पाई। वहीदा रहमान को जैसे ही गुरुदत्त की मौत की खबर मिली, वो मद्रास में फिल्म के शूट से तुरंत दौड़ी चली आईं। वहीदा रहमान ने मेकअप तक नहीं उतारा था। वो उसी स्थिति में फ्लाइट लेकर गुरुदत्त के यहाँ पहुँची,
तब गुरुदत्त को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। ललिता लाजमी बताती है कि गुरुदत्त की मौत पूरी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक रहस्य ही रह गई। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार। गुरुदत्त की बेटी तब 2 साल की थी और वो भी उन्हें देख कहती रह गई कि पापा उठ जाओ। गुरुदत्त अपने जमाने से काफ़ी आगे की सोचते थे और अपने फिल्म में नए नए प्रयोग करते थे। अपनी फिल्म प्यासा के नाम की तरह अपनी हर फिल्म में कुछ नया करने की, उनके प्यार को देखकर ही लोग उन्हें कहने लगे थे, एक था प्यासा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कहते हैं हिंदी फिल्मों का गोल्डन ईरा यानी सुनहरा दौर गुरुदत्त की फिल्मों के साथ शुरू हुआ। 1950 और 1960 के दशक में गुरुदत्त की फिल्मों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल कर रख दी। चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज। चल 14वीं का चांद, कागज के फूल और साहिब बीबी और गुलाम में हिंदी फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। एक शानदार एक्टर, एक बेहतरीन डायरेक्टर और संजीदा इंसान, इसी का नाम है गुरुदत्त। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और कागज के फूल को टाइम मैगजीन ने दुनिया भर की 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया है। साल 2010 में CNN ने गुरुदत्त को एशिया के 25 टॉप एक्टर्स में से एक माना। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि जिस गुरुदत्त के अभिनय और निर्देशन का दुनिया लोहा मानती है, उन्होंने अपना फिल्मी सफर एक कोरियोग्राफर के तौर पर शुरू किया। सन 1945 में फिल्म हम एक हैं के जरिए गुरुदत्त ने हिंदी फिल्मों में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद गुरुदत्त की पहचान तब हुई जब उन्होंने 1951 में सिर्फ 26 साल की उम्र में नवकेतन प्रोडक्शंस की फिल्म बाजी का डायरेक्शन किया। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। इसके बाद फिल्म आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 के टपोरी नायक के तौर पर गुरुदत्त की एक्टिंग को खूब सराहा गया। लेकिन 19 फरवरी 1957 को रिलीज हुई फिल्म प्यासा ने वाकई गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया का गुरु बना दिया। उस वक्त ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि मिस्टर एंड मिसेस का टपोरी फिल्म प्यासा के विजय का किरदार अदा कर सकता है। भारत के अलावा फ्रांस में भी फिल्म प्यासा बेहद हिट रही। कहा जाता है कि फिल्म के गाने जिन्हें ना सहे हिंद पर सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत रोए थे। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, कहां है। लेकिन प्यासा के विजय का किरदार उस इंसान के लिए मुश्किल नहीं था जो खुद बचपन में काफी उदास और गुमसुम रहता था। 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में जन्मे गुरुदत्त का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। गुरुदत्त को पैसे की कमी से मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन में अपने छोटे भाई की मौत से गुरुदत्त के लिए जिंदगी के शुरुआती अनुभव काफी कड़वे रहे। शुरुआत में गुरुदत्त का नाम वसंत कुमार था। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। लेकिन बचपन में ही एक एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने उनका नाम बदल कर गुरुदत्त रख दिया और शायद इसी बदले हुए नाम ने उनकी जिंदगी भी बदल दी। बचपन में लाइट जाने पर दिए की रोशनी के सामने उंगली की परछाइयों से दीवारों पर आकृति बनाने वाला नन्हा गुरुदत्त अपनी फिल्मों में लाइटिंग के नए नए प्रयोग करने के लिए मशहूर हुआ। फिल्म कागज के फूल का गाना वक्त ने किया क्या हसीन सितम की लाइटिंग ने उस जमाने में सबको चौंका दिया था। बेकरार दिल इस तरह मिले। फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। प्यासा के 2 साल बाद बनी ये फिल्म बहुत हद तक गुरुदत्त की असल जिंदगी की कहानी थी। गुरुदत्त अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, कामयाबी और नाकामी। इन दोनों के बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं। ये बात उन्होंने 14वीं के चांद की कामयाबी और कागज के फूल की नाकामी की बात कही। कागज के फूल दर्शकों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही।
इस फिल्म के बाद गुरुदत्त कभी उस डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठे। इस पर बैठे बैठे फिल्म के हीरो सुरेश सिन्हा की मौत हुई थी। साल 2011 में प्यासा को टाइम मैगजीन ने 10 बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में शामिल किया। पर्दे पर वहीदा रहमान और मीना कुमारी के साथ गुरुदत्त की रोमांटिक जोड़ी बहुत हिट थी, लेकिन असल जिंदगी में गुरुदत्त का रोमांस शुरू हुआ फिल्म बाजी से। बाजी फिल्म के इसी गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान दत्त साहब की मुलाकात अभिनेत्री और गायिका गीता रॉय से हुई। गीता उस जमाने में दिलकश आवाज की मलिका थी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। रिकॉर्डिंग के सेट पर दोनों की चंद मुलाकातों के बाद तकदीर ने तकदीर की इबादत लिख दी। गुरुदत्त गीता के मखमली आवाज के मुरीद हो गए। बतौर गायिका गुरुदत्त ने गीता रॉय को अपनी फिल्म बाज में भी ब्रेक दिया। गीता रॉय की खनकदार आवाज पर गुरुदत्त दिल दे बैठे। दो साल बाद 1953 में गुरुदत्त ने गीता रॉय से शादी कर ली। शादी के बाद गुरुदत्त और गीता रॉय का शुरुआती सफर काफी उथल पुथल भरा रहा। लव मैरिज होने की वजह से इन दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, लेकिन गीतों की ही तरह गीता दत्त ने इन परिवार को भी खूबसूरती से संवारा। गुरुदत्त ने अपने फिल्मों में गीता की आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन शादी के बाद गीता पर दूसरे बैनर तले गाने पर पाबंदी लगा दी। हालात ये थे कि चोरी छुपे गीता अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए जाती, दौड़ते भागते शाम से पहले घर पहुंच जाती ताकि गुरुदत्त को पता ना चल सके। गुरुदत्त को अकेलापन पसंद था। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल। वो अपनी फिल्मों को बनाने में इतने डूब जाते थे कि उन्हें अपने परिवार को वक्त देने में भी दिक्कत होती। वहीं गीता को सबके साथ मिलने जुलने में ज्यादा खुशी मिलती। शादी के चार साल बीतते बीतते गीता की जिंदगी में एक नई उलझन की एंट्री हुई। 19 फरवरी 1957 फिल्म प्यासा रिलीज हुई। फिल्म में गुरुदत्त हीरो थे और हीरोइन थी वहीदा रहमान। इस फिल्म के सेट पर गुरुदत्त ने वहीदा की आंखों में अपना दिल बसा लिया। प्यासा से शुरू हुई गुरुदत्त वहीदा रहमान की मोहब्बत लोगों ने चौदहवीं का चांद में भी महसूस की। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, इस मोहब्बत को मीडिया ने खूब उछाला। फिल्म कागज के फूल से इनकी कहानी पर्दे से होकर दर्शकों की आंखों में उतर गई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट गुरुदत्त के निजी जिंदगी की कहानी थी। बिछड़े सभी। गुरुदत्त वहीदा के प्यार के चर्चे हर सुबह मचलते, लेकिन वहीदा दत्त ने इन अफवाहों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया और ना ही इसका असर कभी भी अपने पारिवारिक जीवन पर पड़ने दिया। वो कहती कि मैं जितना प्यार गुरुदत्त से करती हूँ गुरुदत्त भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। गुरुदत्त उस वक्त किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। गीता उनकी जिंदगी में तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गाते हुए आई, लेकिन गुरुदत्त की तकदीर ने उसी वक्त एक बड़ा मोड़ ले लिया। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। पत्नी गीता दत्त से उनके लंबे वक्त तक टिक ना सकी। चार साल बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। गीता से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट गए। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का। उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। गीता दत्त की मासूम मोहब्बत गुरुदत्त वहीदा के आड़े आ रही थी। गुरुदत्त बेहद तनाव में रहने लगे। अंदर ही अंदर न जाने क्या चीज थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। शायद वो सही फैसला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक और वहीदा की मोहब्बत थी गीता से बेवफाई। फिल्म स्टार देवानंद गुरुदत्त के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती उस जमाने में हुई जब वो दोनों ही हिंदी फिल्मों में अपने कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये खेल है कब से उनकी दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए, लेकिन उनकी दोस्ती में सबसे खास बात ये थी कि दोनों ने एक दूसरे को अपना फिल्मी करियर बनाने में भरपूर मदद की। पूरी फिल्मी दुनिया में अगर गुरुदत्त का सबसे करीबी दोस्त था तो वो थे देवानंद। गुरुदत्त और देव साहब में दोस्ती कैसे हुई इसका वाक्या भी बहुत दिलचस्प है। दोनों 1945 में फिल्म हम एक है की शूटिंग के दौरान मिले।
दोनों की ये पहली फिल्म थी। गुरुदत्त इस फिल्म में कोरियोग्राफी कर रहे थे तो देवानंद अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद और गुरुदत्त दोनों एक ही धोबी को अपने कपड़े दिया करते थे। एक दिन देवानंद ने देखा कि उनकी एक कमीज कम है। उन्हें पता चला कि उनकी कमीज गुरुदत्त के पास है तो वो उनके पास गए। देवानंद ने गुरुदत्त से कहा कि जो कमीज तूने पहन रखी है वो उनकी नहीं है। गुरुदत्त ने कहा दरअसल उनके पास दूसरी कमीज नहीं है इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये कमीज पहनी। देवानंद और गुरुदत्त के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे से वायदा किया कि अगर देवानंद कोई फिल्म बनाते हैं तो गुरुदत्त को निर्देशन का जिम्मा देंगे और अगर गुरुदत्त कोई फिल्म बनाते हैं तो देवानंद को अभिनय का मौका। देवानंद ने जब अपनी कंपनी नवकेतन प्रोडक्शन खोली तो गुरुदत्त को पहली बार सन 1951 में फिल्म बाजी का डायरेक्टर बनाया। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा। एक ऐसा दिन आया जब गुरुदत्त इस दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर चुके थे। गुरुदत्त ने तन्हाई में इस दुनिया को अलविदा कहा। गुरुदत्त की आखिरी रात का एक एक राज का खुलासा किया उनके दोस्त अब्राल अलवी ने। कहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी कहां है दिल किसे पता कहां हूं मैं। गुरुदत्त ने अपनी छोटी सी जिंदगी में दो बार जान देने की कोशिश की लेकिन 9 अक्टूबर 1964 की रात होने को कुछ और ही मंजूर था। गुरुदत्त ने कई लोगों को फोन किया अपने पास आने को कहा लेकिन कोई नहीं आया। वक्त शाम 7 बजे। 9 अक्टूबर गुरुदत्त के दोस्त और स्क्रिप्ट राइटर अब्रार अलवी काफ़ी वक्त उनके साथ थे। वो 7 बजे उनके घर पहुंचे। गुरुदत्त बेचैन लेकिन खामोश थे। मुंबई के पैडर रोड में आई ग्रोड फ्लैट में गुरुदत्त के साथ उनका सहायक रतन भी मौजूद था। जी दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत तबीयत। रतन के मुताबिक गुरुदत्त शाम 5:30 बजे से पी रहे थे। वक्त रात के 10 बजे। गुरुदत्त ने पत्नी गीता दत्त को फोन किया और कहा कि बेटी से मिलना चाहते हैं। शादी टूटने की कगार पर थी। गीता से लोक झोंक बढ़ गई। गुरुदत्त का मूड बिगड़ गया और तब उन्होंने कहा कि बच्ची को भेज दो या फिर तुम मेरा मरा मुँह देखो। वक्त रात के 12 बजे। रात करीब 12 बजे गुरुदत्त खाने के लिए तैयार हुए। लेकिन खाते खाते 1 बज गया। खाने से पहले फिर से शराब पी। तब अब्रार अलवी ने गुरुदत्त को आखिरी बार देखा। गुरुदत्त ने अब्रार अलवी को कहा कि वो सोना चाहते हैं और फिर वो अपने रूम में चले गए। वक्त रात के 3 बजे। गुरुदत्त के सहायक रतन के मुताबिक गुरुदत्त कमरे से बाहर आए और विस्की मांगने लगे। रतन ने जब मना किया तो खुद बोतल ढूंढने लगे और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। 10 अक्टूबर 1964 सुबह 10 बजे। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह गीता दत्त ने काफ़ी फ़ोन किए लेकिन गुरुदत्त नहीं उठे। दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा बिस्तर पर गुरुदत्त का शव पड़ा था। पास में बोतल और नींद की गोलियों की शीशी पड़ी थी। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते। मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। क्या हुए वो दिन।